ये कह रहा है कि 15 मीटर भुजा वाले एक वृत्ताकार घास के मैदान है ना कि एक कोने पर लगे खूंटे से बांध दिया गया है 10 मीटर लंबी रस्सी के साथ किसी घोड़े को। ठीक है, तो वर्गाकार है, ठीक है, तो एक वर्ग बना लेते हैं सबसे पहले। चलिए, एक एक आपका एक वर्ग बन गया, ये आपका वर्ग बन गया। अब क्या किया जाता है, घोड़े को एक बिंदु से यहाँ बांध दिया जाता है। अब देखिए पहला चीज की सब प्रत्येक भुजा दिया है 15 मीटर, 15 मीटर, ठीक है, क्योंकि वर्ग है ना, तो प्रत्येक भुजा बराबर होती है। और देखिए क्या आ रहा है कि इस पे क्या किया जा रहा है कि एक कोने से एक खूंटे पे यहाँ पे एक क्या बांध दिया जाता है, तो एक घोड़े को बांध दिया जाता है। तो 10 सेंटीमीटर उसका रस्सी का लंबाई है, तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ बांधा गया है, तो इसका रस्सी की लंबाई कितना है, 10 मीटर है। ठीक है, तो 10 मीटर घोड़े की रस्सी की लंबाई है, यानी कि अगर बात करें यहाँ पे एक बिंदु ले लेंगे और एक यहाँ पे बिंदु। चलिए इसको थोड़ा मोटा ये होगा ना, ये लेगा आपका किसका रूप, ये आपका चतुर्थांश बन जाएगा। ठीक है, तो एक चतुर्थांश बन गया। अब देखिए, तो ये जो घोड़ा है यहाँ पे, जो घोड़े को बनाया गया रस्सी से, तो ये रस्सी वाला भाग इतना ही ना चढ़ पाएगा, ये वाला भाग चढ़ पाएगा, यही ना। चलिए इसका नाम देते हैं ए बी सी डी। ठीक है, तो यहाँ 90 डिग्री बनेगा। चलिए 90 डिग्री बनेगा, यानी ये चतुर्थांश हुआ। चलिए 10 मीटर लंबाई दी है और पाई की जगह आपको ये करना है। पहला क्वेश्चन क्या है कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जहाँ घोड़ा घास चल सकता है, यानी इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, इसका नाम पूछ देते हैं। चलिए इसका नाम देते हैं, ये ए बी सी डी हो गया, इसका पी और ये क्यू दे देते हैं, है ना। चतुर्थांश, चतुर्थांश ए पी क्यू का क्षेत्रफल, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि मैदान है ना, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चर सकता है, ये भी लिख सकते हैं। तो इसका क्या होगा, ए पी क्यू का क्षेत्रफल, तो 1/4 πr² चतुर्थांश है ना। चलिए, या आप थीटा की जगह 90 यूज करिएगा, वो भी तीजा खंड वाला भी लगा सकते हैं, तो वही बात होगा, 1/4 ही आएगा। चलिए, तो 1/4 π की जगह आपको यूज करना है 3.14, और r का मान कितना दिया है, 10 × 10, क्योंकि ये 10 r ही ना होगा, समझ रहे हैं ना, r 10 मीटर होगा क्योंकि ये रस्सी की लंबाई है, ये चारों इधर चल पा रहा है। चलिए इसको काट देते हैं, ये 2 बार में, ये 5 बार में, फिर इसे काट देते हैं, ये 5 बार में m² इसको इसमें गुना करते हैं, 50 25 25 में 3.14 से कर देंगे तो आ जाएगा आपका 78.5, तो इसको लिख देते हैं 78.5 m², यानी ये इस भाग का क्षेत्रफल आ गया। दूसरा कह रहा है कि चरे जा सकने वाले क्षेत्र का क्षेत्र में कमी, ये कमी है आपका, कमी हमें ये निकालनी है कि चरे हुए भाग में कितनी कमी हो जा रही है यदि 10 मीटर लंबी रस्सी की जगह 5 मीटर लंबी रस्सी बांध दी जाए, यानी कि अब ये रस्सी की लंबाई हम लोग अगर 5 मीटर रख देंगे तो ये घोड़ा जो होगा इसी भाग को चर पाएगा, तो ये कितनी कमी हो गई, ये वाला भाग, ये जो देख रहे हैं ना, ये वाला भाग हमें निकालना है, तो ये रस्सी की लंबाई 5 मीटर कर देने पर। ठीक है, चलिए, तो दूसरा लिखना है हमें, चरे जा सकने वाले भाग में आई कमी निकालनी है आपको, कितनी कमी हो जाएगी। तो पहले जो था शुरू में आपका कितना, ये भाग चल जा रहा है 78.5 m², और माइनस किसको करना है, तो 1/4, ये भी तो चतुर्थांश ही ना हो गया, ये वाला भाग 1/4 π की जगह 3.14, और त्रिज्या है आपके पास कितना, तो 5 × 5, इसके लिए त्रिज्या 5 ले लेंगे। चलिए, तो ये इसको काट सकते हैं 2, और इसको काटिएगा तो आ जाएगा 1/5 7, 1.57। अब 1.57 में 5 × 5 × कर देते हैं तो आ जाएगा आपका बचा है 25, और इसमें गुणा करिएगा तो आपका आ जाएगा, पहले इसको लिख देते हैं 78.5 m², और ये 50 25 25 से गुना कर दीजिए तो आ जाएगा आपका 39.25 m². अब इसको इसको घटा दीजिए तो घटाने के बाद भी आ जाएगा 39.25 m², इतना कम भाग चल सकता है, इतना कम कमी आ जाएगी। सॉरी, इसमें देखिए आपका ये 2 डिवाइड में है ना, 2 हम छोड़ दिए, इसको 2 डिवाइड में आपको डिवाइड भी करना होगा। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर देते हैं, इस स्टेप को पहले हमें मिटाना होगा, इसको मिटाते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, तो यहाँ 2 आपका डिवाइड में था ना,
चलिए दो से डिवाइड करेंगे पहले, 78.5 मीटर स्क्वायर, यहाँ दो से भाग करिएगा तो आ जाएगा आपका 1,9,625 मीटर स्क्वायर। अब इसको घटाइए आपका आ जाएगा 58.875 मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20